मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड, और न्यूमेरिकल मेथड में हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पर आज हम ये सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट हम जो है इसके पहले पब्लिश कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमें यहाँ चार तरीके से डिस्कस करना है। एक ट्रेपेजॉइडल रूल हमें डिस्कस करना है, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 एंड बेडल्स रूल हमें यहाँ क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको ट्रेपेजॉइडल, हमने आपको सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8 रूल के बारे में बताया था। बेडल्स रूल हमने वहाँ डिस्कस नहीं किया था, तो वो हम आगे डिस्कस आपके साथ करेंगे। उसके अलावा जो है, हमने फर्स्ट पार्ट में आपसे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी। उस प्रॉब्लम में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल को अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने वादा किया था वहाँ फर्स्ट पार्ट में कि हम इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे और आपको कुछ और सॉल्व एंड अनसॉल्व प्रॉब्लम करके दिखाएंगे, तो आज जो है हम यहाँ कुछ और प्रॉब्लम लेके आए हैं रिलेटेड टू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ एक प्रॉब्लम दी हुई है, कैलकुलेट द वैल्यू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से 1 x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स टेकिंग 6 इंटरवल बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ये प्रॉब्लम आपको केवल और केवल ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करनी है, और इंटरवल जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमें अगर इंटरवल क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमें 6 इंटरवल लेके चलने हैं। उसका रीजन हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम में आपको इंटरवल उन्होंने 6 ऑलरेडी दिए हुए हैं। और वैसे भी हमने आपसे कहा था कि ट्रेपेजॉइडल रूल में इंटरवल मैटर नहीं करता है, कोई सा भी इंटरवल दिया हो आप किसी भी इंटरवल के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, इसको हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ आईटैब पर न्यूमेरिकल मेथड की प्लेलिस्ट शो हो रही होगी। अगर आपने न्यूमेरिकल मेथड के लेक्चर्स अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ क्लिक करके आप न्यूमेरिकल मेथड के सारे लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यहाँ करना क्या होता है, यहाँ n इज इक्वल टू जो आपको दिया है वो 6 दिया है, क्योंकि यहाँ लिखा है 6 इंटरवल्स बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। n इक्वल टू 6 दिया है, तो आपको मालूम है कि h इज इक्वल टू जो आपकी हाइट ऑफ द इंटरवल होती है, h जो आपका होता है वो होता है b माइनस 8 डिवाइडेड बाय n। तो b इज द अपर लिमिट एंड a इज द लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपको यहां 1 दी है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से स्टूडेंट आपको समझ आ रहा है कि एच इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 1/6। इसके बाद जो फंक्शन आपको दिया है, जो एफ एक्स आपको दिया है, या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हम कह सकते हैं, वो आपको दिया है एक्स डिवाइडेड बाय 1+x। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, अब हमें मेनली जो करना है वो हमें x नॉट, x1, x2 सारी वैल्यूज यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले x नॉट से स्टार्ट करेंगे, और x नॉट हमने कहा था कि जो लोअर लिमिट आपकी होगी 0, वो आपकी क्या होगी, x नॉट होगी। और xn आपका क्या होगा, जो अपर लिमिट आपकी होगी, मतलब b की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, xn होगी। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी हमने आपसे कहा था कि ये कहाँ तक चल रहा है वो आपको पता चलेगा। x1 कैसे निकालेंगे आप, x1 निकालने के लिए x0 डिवाइडेड बाय h लिखना पड़ेगा आपको, तो x0 डिवाइडेड बाय h 1/6 आएगा। x2 आप निकालेंगे स्टूडेंट, तो x1 प्लस h आपको लिखना पड़ेगा, तो 1/6 प्लस 1/6 आपको लिखना पड़ेगा, तो ये 2/6 होगा, 2/6 को हम लिखते हैं 1/3। स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, x3 निकालेंगे, तो x2 प्लस h होगा, और x2 आपका आया है 1/3, h आपका 1/6 है, और इसका एलसीएम आपने लिया तो 2+1, 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 1/2 आएगा। स्टूडेंट हम x4 लेके चलते हैं, तो वहाँ x3 प्लस h होगा। आप चेक करते रहिए, है ना, कि कहीं कोई वैल्यू में मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। 1/2 प्लस 1/6 लेंगे, तो यहाँ फिर 6 एलसीएम आएगा, तो 3 और एक 4, 4 डिवाइडेड बाय 6 होगा, तो आप 2 से 10 कैंसिल करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, तो आई थिंक 2/3 आएगा। स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, x5 निकालेंगे, तो x4 प्लस h होगा, और x4 इज 2/3 प्लस h आपका 1/6 है, तो यहां से स्टूडेंट फिर आप क्या कर रहे हैं, 6 एलसीएम ले रहे हैं, तो 2 2 4 प्लस 1 5/6 हो रहा है, आप 5/6 लेंगे। अब फिर वही क्वेश्चन की कहां तक चलना है, वहां तक चलना है जहां तक कि आपको अपर लिमिट 1 ना मिल जाए, है ना, या आप ऐसे मान के चलें कि इंटरवल आपको 6 दिए हैं तो x6 तक आपको चलना है।
एक्स फाइव प्लस एच, यहाँ देखिए आपको 100% क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, 1/6, तो 6/6 इज इक्वल टू 1, क्लियर है ना। तो ये समझ आ गया कि हमें कहाँ तक चलना है, 6 इंटरवल की बात हो रही है, तो x 6 तक चलना है या वहां तक चलना है जहां तक कि हमें b की वैल्यू ना मिल जाए, क्योंकि जो हमारा xn होता है, तो xn यहाँ क्या है, n 6 है, तो xn का मतलब है x6, और x6 की वैल्यू हमने कहा था क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ बना रही है। अब स्टूडेंट ये तो आपने x नॉट निकाल लिया, अब आपके लिए जरूरी है y नॉट। y नॉट की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो फंक्शन दिया है, आप फंक्शन देख लें, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1+x दिया है, तो जब y नॉट आप निकालेंगे तो ये आपका होगा x नॉट डिवाइडेड बाय 1+x0, और x नॉट की वैल्यू 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1+0 इज इक्वल टू आपका आएगा 1। सेम इसी तरीके से आप जब y1 निकालेंगे तो y1 क्या होगा, x1 प्लस 1+x1, तो यहाँ x1 चेक कर लें आप, x1 आपका है 1/6 डिवाइडेड बाय 1+1/6। तो यहां से स्टूडेंट आप देखेंगे 6 आप एलसीएम लेंगे, 6 और 1 7/6, 7/6 होगा, तो इसको आप लिखेंगे 1/6 और 7/6, तो 6/7, तो 6 कैंसिल होके आपको मिलेगा 1/7। और स्टूडेंट y2 आप जैसे निकालेंगे तो ये होगा x2 डिवाइडेड बाय 1+x2, और x2 आपको दिया है 1/3 डिवाइडेड बाय 1+1/3, तो स्टूडेंट सेम कहानी 1/3 होगा, यहाँ जो है 3/, और ये 3 और एक 4, तो ये 4 होगा, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा यहाँ 1/4। और आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला आपको दिया है, ये जो फंक्शन आपको दिया है, इस फंक्शन में अगर वाई नॉट निकाल रहे हैं तो x की जगह x नॉट रख दें, y1 निकाल रहे हैं तो x1 रख दें, y2 निकाल रहे हैं तो x2 रख दें, इस तरीके से आप रख, जैसे y3 निकाल रहे हैं तो हम यहाँ x3 पुट करने वाले हैं। जब आप x3 पुट करोगे तो x3 आपका था 1/2 डिवाइडेड बाय 1+1/2, तो स्टूडेंट यहाँ क्या मिलने वाला है, देखो 1/2 ऊपर है और 2 और एक 3/2 होगा, तो 2/3 लिखोगे आप, 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ मिलेगा आपको 1/3। अब आप y4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ होगा x4 डिवाइडेड बाय 1+x4, और स्टूडेंट x4 आपका दिया है 2/3 डिवाइडेड बाय 1+2/3, तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि 2/3 ये दिया है और 3/, तो 3 और 2 5, तो 5 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल होके आपको यहाँ मिलेगा 2/5। अब स्टूडेंट y5 निकालोगे तो यहाँ x5 डिवाइडेड बाय 1+x5 आपको करना होगा, बहुत आसान है ना, आप बस करते चलिए, 5/6 लोगे आप, और यहाँ जो है आप क्या करोगे, वैल्यू रखो क्या थी, x5 5/6 डिवाइडेड बाय 1+5/6, और 6 and 5 11/6, तो 6/11 होगा, 6 से 6 कैंसिल होंगे, तो आपको यहाँ मिलेगा 5/11, और लास्ट वैल्यू है आपकी y6, तो ये हो जाएगा x6 डिवाइडेड बाय 1+x6, और x6 की वैल्यू है 1/1+1, तो इज इक्वल टू 1/2। तो ये सारी वैल्यूज आपने क्या की, यहाँ से फाइंड आउट कर ली। जब आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली स्टूडेंट, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको सीधा सीधा ट्रेपेज़ॉइडल रूल आपको आना चाहिए, और ट्रेपेज़ॉइडल रूल में सारी वैल्यूज हमें क्या करनी होंगी, पुट करनी होंगी। तो हम यहां लिखेंगे नाउ बाय ट्रेपेज़ॉइडल रूल। तो स्टूडेंट रूल हमने जो है आपको सिखाया था, वहां आपको याद हो कि लिमिट a से b फंक्शन ऑफ x dx अगर आपको दिया हो तो आप क्या लिखते हैं, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि बाहर आप केवल h लिखते हैं, अंदर आप क्या लिखते हो, याद करो हमने आपसे कहा था कि फर्स्ट टर्म और आप लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 लिखते हो, और प्लस बचे हुए टर्म रिमेनिंग टर्म, तो y1, y2 कहां तक, yn-1 तक, ठीक है ना। तो इसको हमें अपने इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर लिखना है, तो प्रॉब्लम हमें दी है a से b, माने 0 से 1 f(x) हमें दिया है x/1+x, dx इक्वल टू h की वैल्यू हमें दी है 1/6। अब आप वैल्यू पुट करते जाइए, है ना, y0 का मतलब है आपको दिया है y0 1 प्लस yn का मतलब है, एक मिनट एक काम करते हैं, ये y नॉट ही लिख देते हैं, ये yn का मतलब है आपको y6 तक, तो आप यहां लिखेंगे y6 डिवाइडेड बाय 2, मैं एक बार और लिख देता हूं, है ना। अब यहां कौन कौन से रिमेनिंग बच रहे हैं, y1 बच रहा है, y2 बच रहा है, y3 बच रहा है, y4 बच रहा है, और y5
5 बच रहा है ना, तो ये फॉर्मूला यहां तक जाएगा। अब आप सारी वैल्यूज अब पुट करेंगे तो स्टूडेंट 0 से 1 एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब यहां से स्टूडेंट देखें वाई नॉट की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, प्लस वाई सिक्स की वैल्यू आपको 1 अपॉन 2 मिल रही है, डिवाइडेड बाय यहां 2 आ रहा है, और प्लस आप आगे बढ़ेंगे तो वाई वन की वैल्यू आप देखिए जरा क्या मिल रही है, वाई वन आपको मिल रहा है 1 अपॉन 7, वाई टू आपको मिल रहा है 1 अपॉन 4, वाई थ्री आपको मिल रहा है 1 अपॉन 3, वाई फोर आपको मिल रहा है 2 अपॉन 5, और वाई फाइव आपको मिल रहा है 5 अपॉन 11। तो स्टूडेंट फटाफट से अपना कैलसी निकालिए, और कैलसी निकाल के इन सबको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या निकालना है, सॉल्व करने के बाद आपको अपना आंसर निकालना है। यहां स्टूडेंट एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना, ये देखिए वाई नॉट की वैल्यू 0, तो ये अपन ने 1 गलत लिख दी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, तो यहां भी वैल्यू आपको क्या लिखनी पड़ेगी, 0 लिखनी पड़ेगी, है ना। तो 0 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। तो आप फटाफट से अपनी कैलसी निकालिए और इस सबको सॉल्व करिए। आफ्टर सॉल्यूशन मैंने बगल की स्क्रीन पर लिखा हुआ है 0.30512, ये जो है आपका फाइनल यहां क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। इनको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपको क्या करना है, ये वैल्यूज हमने पुट की हैं, और सीधा सीधा आप कैलसी यूज करके कैलकुलेशन करोगे एंड गेट द आंसर। तो स्टूडेंट बहुत आसान है ना, ये जरूर ध्यान रखना, ये जो है यहां मैंने 1 लिख दिया था बाय मिस्टेक, है ना, ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और अपना आंसर जो है इस तरीके से निकालना है। तो वही सेम कहानी जो हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है, ये वैल्यूज निकालनी है, यहाँ n इंपॉर्टेंट है, n से आप h निकालते हो, फिर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। अब हम यहाँ एक अनदर प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट एक अनदर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, इवैल्यूएट साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 6 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर यूजिंग ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 एंड वेडल्स रूल। तो स्टूडेंट यहां चारों रूल्स हमें डिस्कस करने हैं, और जैसा कि आपको मालूम है ट्रेपेजॉइडल हम पढ़ चुके हैं, हमने आपको सिम्पसन 1/3 और 3/8 भी बताया है, हमने आपको वेडल्स रूल नहीं बताया। तो सबसे पहले हम वेडल्स रूल देख लेते हैं, वेडल्स रूल क्या होता है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां वेडल्स रूल की। तो वेडल्स रूल में आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट जाता है याद रखना, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपको हमने जब ट्रेपेजॉइडल बताया तो हमने वहां कहा था आपसे h होगा, सिम्पसन 1/3 में हमने आपसे कहा था कि h अपॉन 3 होगा, 3/8 में हमने कहा था 3h अपॉन 8 होगा, यहां स्टूडेंट आपको याद रखना है 3h डिवाइडेड बाय 10 होगा। इसके बाद अंदर जो वैल्यू होंगी वो आपको जरा याद रखना है, 5y1 होगा प्लस y2 होगा प्लस 6y3 होगा प्लस y4 होगा और 5y5 होगा प्लस 2y6 होगा प्लस 5y7 होगा प्लस 5y8 होगा प्लस 6y9 होगा y10 होगा 5y11 होगा 2y12 होगा और कहां तक जाएगा, ये yn तक जाएगा। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हमने आपके सामने लिखा है, अब आपको देख के समझ आ रहा होगा कि यार इसको याद कैसे रखेंगे। तो याद रखना बहुत आसान है, आप देखें सारे टर्म्स हमने यहां लिए हुए हैं, y नॉट, y1, y2, y3, y4, y5 से लेके हम कहां तक चल रहे हैं, yn तक। तो ये तो याद रख लें कि n इज इक्वल टू जितना आपको दिया हो वो सारे टर्म्स आपके को लेके चल रहे हैं। अब आप यहां देखें कि आपको एक सीक्वेंस याद रखना है, 15 16 15, ये तीन का पेयर बनाया आपने, फिर आपने 15 16 15 तीन का पेयर बनाया, फिर आपको 15 16 और 15 ये तीन का पेयर आपने बनाया। मैं फॉर्मूला याद करना सिखा रहा हूँ, 15 16 15 15 16 15 एंड 15 16 15। तो आप देखेंगे यहाँ 15 है 16 है 15 है, आगे बढ़ेंगे ये 15 फिर रिवाइज हो रहा है। अब ये 15 अगर रिवाइज हो रहा है तो यहाँ 15 की जगह आप क्या कर लो, 25 कर लो, 1, ये 1 रिवाइज हो रहा है, मतलब 15 के बाद 15 आ रहा है, तो आपने क्या किया 15 को 25 कर लिया। अब ये 15 16 15, आप देखिए आप 15 रिवाइज हो रहा है तो आपने 15 की जगह फिर क्या कर लिया,
25 कर लिया, तो इसी तरीके से आप चलते चलेंगे। अब आप देखें जरा ये y नॉट, देखिए आप इसका कोफिशियंट 1 है, ये देखिए कोफिशियंट 5 है, ये कोफिशियंट 1 है, ये कोफिशियंट 6 है, ये कोफिशियंट 1 है, ये कोफिशियंट 5 है। अब आप देखिए ये कोफिशियंट देखिए 2 आ गया, फिर ये कोफिशियंट 5 है, ये कोफिशियंट 1 है, आगे कोफिशियंट 6 है, फिर कोफिशियंट 1 है, फिर आगे देखिए फिर कोफिशियंट 5 आ रहा है। अब आप आगे बढ़ेंगे देखिए फिर कोफिशियंट 2 आ गया, तो इस तरीके से ये चलता चलेगा। तो मैंने इतने सारे टर्म्स आपको इसलिए बताए कि आपको 12 13 कुछ भी दिया हो n इज इक्वल टू आप बहुत इजीली निकालेंगे। आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है 15 16 15 15 16 15 15 16 15, ये 15 रिवाइज रिपीट होगा तो आप 25 लिखेंगे, यहां 25 लिखेंगे। अब स्टूडेंट हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर 15 16 15 के बाद यहां केवल एक टर्म आ रहा है और हमारा प्रॉब्लम यहां खत्म हो जा रही है n इज इक्वल टू, तो यहां फिर आपको 1 लेना है ना, तो वो शायद इसी प्रॉब्लम में होगा, हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे है ना। तो आपको याद रखना है सीक्वेंस आपका ये चलेगा, लेकिन अगर यही आपकी प्रॉब्लम खत्म हो रही है तो आप फिर आप इसको 1 कंसीडर करके चलेंगे। तो स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन कर लें क्योंकि मैं इसको अभी साफ करने वाला हूं है ना। तो आई होप आपको बेडल्स रूल जो है वो समझ आ गया होगा कि बेडल्स रूल हमें जो है किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बेडल्स रूल आपको समझ आया, अब जो है हम आपको यहां समझाने वाले हैं, अब यहां हम आपको जो समझाने वाले हैं वो समझाने वाले हैं ये प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपको सॉल्यूशन देख लें, n इज इक्वल टू क्या दिया है, n इज इक्वल टू आपको दिया कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे 6 मान के चलेंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि बहुत सारी अच्छा वेडल्स में जो है, जैसे हमने आपसे कहा था कि ट्रेपोजॉइडल आप किसी भी इंटरवल के लिए यूज कर सकते हैं, सिम्पसन 1/3 में आप केवल और केवल इवन नंबर्स के लिए आप यूज करेंगे, सिम्पसन्स 3/8 हमने कहा था कि 3 से मल्टीपल हो रहा हो तभी आप यूज करेंगे, और बेडल्स के इंटरवल में 6 का मल्टीप्लिकेशन जब होगा वो आपको यूज करना है, क्लियर है। तो हम n इज इक्वल टू 6 लेते हैं, सभी के लिए जो है सुइटेबल रहेगा। n इज इक्वल टू 6 लिया तो स्टूडेंट एज इज इक्वल टू होता है बी माइनस 8 डिवाइडेड बाय n, तो एज इज इक्वल टू बी इज अपर लिमिट, अपर लिमिट इज 6, लोअर लिमिट इज 0 डिवाइडेड बाय 6, तो यहां से फ्रेंड h इज इक्वल टू निकल के आ रहा है हमारा 1। तो अब स्टूडेंट हमें यहां क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x नॉट की, x1 की, x2 की, x3 की, x4 की, x5 की और x6 की। तो ये वैल्यू कैसे निकलती है ये मैं भी आपको बता चुका हूं, तो आप वैल्यू निकालिए जरा। x नॉट की वैल्यू तो आपको इनिशियल मालूम है 0 होती है, x1 जो आपका होता है वो x नॉट प्लस h होता है, तो h आप जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, और x2 होगा x1 प्लस h, और 1 में h जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, x3 आपका होता है x2 प्लस h, समझ गए होंगे 3 हो जाएगा, x3 प्लस h करेंगे 4 हो जाएगा, x4 प्लस h करेंगे 5 हो जाएगा। कहां तक निकाल लिए, लास्ट वैल्यू अपर लिमिट के बराबर आनी चाहिए 6 तक, तो x5 प्लस h करेंगे तो ये देखो 6 आ रही है। तो आपको कहां तक लेना है इंटरवल 6 तक, क्योंकि n इज इक्वल टू भी हमने क्या लिया है 6 लिया है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहां जो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया है ये दिया है 1/1 + x2। अब आपको इसकी हेल्प से आपको वैल्यू निकालनी है y की, तो y की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहां y नॉट वैल्यू आएगी, और y नॉट के लिए आप क्या करेंगे 1/1 + x0 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 1/1 + x0 की वैल्यू 0 है तो आपने 0 रखी तो y नॉट यहां से आपको 1 मिल रहा है। अब आप y1 यहां से फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 + x1 का स्क्वायर, तो 1/1 + x1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 आपको मिला। y2 स्टूडेंट आप निकालेंगे तो 1/1 + x2 का स्क्वायर, और x2 आप चेक करें आपको 2 दिया है तो 2 × 2 = 4 होगा, तो ये 1/5 होगा। y3 निकालेंगे स्टूडेंट तो 1/1 + x3 का स्क्वायर होगा, तो 1/1 + x3 आपको 3 दिया है, 3 × 3 = 9 होगा, तो ये 1/10 हो जाएगा। आप स्टूडेंट y4 चलेंगे तो 1/1 + x4 का स्क्वायर होगा, तो 1/1 + 4 = 16 होगा, तो 1/17 ले लेंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां आपने लिखा y5, और y5 होगा 1 + x5 का स्क्वायर, और 1/1 + x5 5 है, 5 × 5 = 25 होगा, और ये 1/26 लिख सकते हैं। y6 आपकी लास्ट वैल्यू है तो 1/1 + x6 का स्क्वायर लोगे आप, 1/1 + 6 = 36, तो ये हो जाएगा 1/37।
तो ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट की है और ये सारी वैल्यूज यहाँ से निकल के आ रही हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, ट्रिपल ऑर्डर रूल के लिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं नाउ बाय ट्रेपोजॉइडल रूल। और ये रूल के लिए आपको मालूम है कि ये ए से बी, तो आपको दिया है 0 से 6 dx डिवाइडेड बाय 1 + x² इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि यहां एच होता है और अंदर जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म आपका होगा y नॉट और डिवाइडेड बाय प्लस लास्ट टर्म होगा आपका y 6 डिवाइडेड बाय आप लोग हो गए 2 प्लस। इसमें अब आप क्या आते हैं रिमेनिंग टर्म, तो रिमेनिंग टर्म में आपको देखो y1 दिया है, y2 दिया है, y3 होगा और y4 होगा और y5 होगा। बस ये सारे टर्म्स आपको यहां उठा के पुट करने हैं। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि 0 से 6 dx डिवाइडेड बाय 1 + x² इज इक्वल टू, एच की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 1 है तो आपने 1 रख दिया, y0 आपने फाइंड आउट किया है 1 है प्लस y6 आपने फाइंड आउट किया है 1/37 है और ये डिवाइडेड बाय आपका 2 है। तो इसको सॉल्व करना है अपन को। और प्लस y1 की वैल्यू आप यहां से देखेंगे तो y1 की वैल्यू आपको 1/2 दी है, y2 आपको 1/5 दिया है, y3 आपको 1/10 दिया है, y4 आपको 1/17 दिया है, y5 आपको 1/26 दिया है। तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, यहां से कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करनी है। तो dx डिवाइडेड बाय 1 + x² और यहां से जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये 37 आपका LCM आएगा और 37 और 38 तो 38 डिवाइडेड बाय 37 तो ये हो जाएगा 38 तो 38 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 37 और प्लस 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/17 प्लस 1/26। अब स्टूडेंट फटाफट से आप अपना कैलसी निकालिए और कैलसी निकाल के इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, साइड में मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिपोजॉइडल रूल में आएगा 1.4108। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन करें, है ना, फिर हम इसको जो है साफ करके आपको एक सेकेंड सिम्पसन वन थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट हमने ट्रेपेज़ॉइडल डिस्कस कर लिया है, अब हम सिम्पसन वन थर्ड यूज डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे नाउ बाय सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। और रूल हमारा जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है आपको मालूम है, आपको दिया है 0 से 6 dx डिवाइडेड बाय 1 + x² इज इक्वल टू और सिम्पसन वन थर्ड की बात हो रही है तो 1/3 तो h अपॉन 3 होगा और आप फर्स्ट टर्म लेंगे प्लस लास्ट टर्म लेंगे तो आपका होगा y6 और प्लस 4 times odd ordinates odd। तो odd का मतलब है आप odd देख लें यहाँ कौन कौन सा हो रहा है, y1 है, y3 है और y5 है प्लस आपको 2 times लिखना है सम ऑर्डिनेट्स। तो सम में आप देखिए y2 होगा, y4 होगा और y6 हमें नहीं लेना है क्योंकि लास्ट के 2 digit तक हमें लेने होते हैं, है ना। तो यहां आप देखिए h अपॉन 3 तो आपका हो जाएगा 1/3 y0, y0 की वैल्यू है 1 + 1/37 और प्लस 4 times। y1 की वैल्यू स्टूडेंट आप पुट करें 1/2 है प्लस y3 की वैल्यू आप देखें 1/10 है प्लस y5 आपको दिया है 1/26 और इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे प्लस 2 times और 2 times में y2 आपको दिया है स्टूडेंट 1/5 और प्लस y4 आपको दिया है बच्चों 1/17 और ये आपने यहाँ क्लोज किया। तो स्टूडेंट आपको इसको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करिए तो 38 डिवाइडेड बाय 37 होगा प्लस ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 4 प्लस 2 होगा, 2 × 4 2/5 होगा प्लस 2/13 होगा प्लस और ये 2/5 होगा प्लस 2/17 होगा। और स्टूडेंट इसको आप अपने कैलसी से कैलकुलेट जब करेंगे तो मेरे बोर्ड पे जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू आपकी आएगी 1.3662। तो ये आपका आंसर आफ्टर कैलकुलेशन ही आएगा 1.3662।
3662, ये किसके लिए आ रहा है? बाय सिम्पसन बर्नथाइट के लिए। अब स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं, नाउ बाय सिम्पसन थर्ड बाय एट रूल, और थर्ड बाय एट रूल के लिए जब हम डिस्कस करेंगे तो 0 से 6 डीएक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां जो है आप थर्ड बाय एट ले रहे हैं तो 3h डिवाइडेड बाय 8 होगा, है ना। ये 1/3 था, ये थर्ड बाय 8 है, और आप ये लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म आपको 6 दिया है, प्लस 3 टाइम्स ऐसे टर्म जिनमें 3 से मल्टीपल हो रहा उनको नहीं लिखना है। तो y1 प्लस y2, y3 3 का मल्टीप्लिकेशन है तो सीधा आएगा y4 और y5, y6 भी नहीं लेंगे क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 टाइम्स। अब ऊपर के जो टर्म्स हमने वहां ऊपर जो टर्म्स हमने मिस किए हैं वो टर्म्स हमें नीचे लिखने हैं। तो यहां देखिए y3 हमने मिस किया है और y6 मिस किया है, लेकिन n इज इक्वल टू 6 दिया है तो दो टर्म्स पहले तक हमें यहां लिखने होते हैं, तो 6 यहां नहीं आएगा, क्लियर है। तो ये तो इसका फॉर्मूला है, नाउ सिम्पसन सिम्पसन्स थर्ड बाय 8 रूल। अब आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज उठा के यहां पुट कर देनी है। तो स्टूडेंट मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूं यहां, और मैं ये जो है थोड़ा सा साफ कर रहा हूं यहां, और ये वैल्यू जो है मैं यहां आपको पुट करके दिखा रहा हूं। तो आप वैल्यू देखेंगे जरा कौन कौन सी वैल्यू मैं रखने वाला हूं। तो ये आपका हो रहा है यहां 3/8, एच की वैल्यू तो आपकी 1 थी, कोई दिक्कत नहीं है। वाई नॉट आपने लिखा 1 प्लस, y6 आपने लिखा 1/37, ये भी ठीक है। इसके बाद आप आइए 3 टाइम्स, अब आप y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू आपको दी है 1/2, y2 की वैल्यू आपको दी है 1/5, y3 मिस है, y5 आपका 1/17 होगा, और बस y5 तक ही तो लिखना है, प्लस नहीं 4 वैल्यू आएंगे ना, 1/17 y4 की हुई और y5 की एक वैल्यू आप यहां और लिखेंगे, तो y5 आपका होगा 1/26, और स्टूडेंट फिर आपको लिखना है प्लस का 2 टाइम्स, y3 की वैल्यू आप लिखेंगे 1/10, और स्टूडेंट इसको आपको अपने कैलसी से सॉल्व करना है। आप कैलसी उठाइए और फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, तो सिम्पसन थर्ड बाय 8 का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 1.3571, तो ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब स्टूडेंट अपना बच रहा है केवल और केवल बैडल्स, तो बैडल्स से हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहां ये फिर से साफ कर रहा हूं, है ना। ये सिम्पसन थर्ड बाय 8 आप कर चुके होंगे, मैं इसको साफ कर रहा हूं, क्लियर है। 1/3 आप कर चुके हैं तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। तो यहां से जो है आप देखेंगे अब बैडल्स का, तो हम लिख रहे हैं नाउ बाय बैडल्स रूल, और बैडल्स रूल हमारा कहता है कि 0 से 6 और क्या दिया था आपको dx/1 + x² इज इक्वल टू, और मैंने आपसे वहां कहा था कि आपको जो है जब भी आप पढ़ेंगे तो थर्ड बाय 8 हो गया आपका, अब बैडल्स में जो आप यूज करेंगे वो क्या करेंगे 3h/10, तो ये आपने क्या किया 3h/10 यूज किया। अब देखिए आप यहां जो है आपको लिखना है मैंने आपसे कहा था 15 16 15 और 15 16 15, ठीक है। अब ये 15 अगर रिवाइज हो रहा है तो यहां 2 आएगा, तो आपको सबसे पहले तो y नॉट लिख लेना है, y1 लिख लेना है, y2 लिख लेना है, y3 लिख लेना है, y4 लिख लेना है, y5 लिख लेना है और y6 लिख लेना है, क्योंकि आपको 6 तक ही वैल्यू दी है। तो आप देखिए 1 5 1 5, तो यहां देखिए 5 आएगा, फिर 1 6, तो यहां देखिए 6 आएगा, फिर आप देखिए 1 5, तो यहां 5 आएगा। अब यहां देखिए रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट के बाद केवल 1 ही रिपीट हो रहा है, मतलब पूरा 15 रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहां 1 ही आएगा, है ना, यहां 2 नहीं लेना है। अब y6 के बाद अगर y7 दिया होता तो यहां 2 आता और वहां फिर अपना 5 आता, क्लियर। मैं यही चीज समझाना चाह रहा था। अब हमें क्या करना है, यहां ये वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू आप पुट करेंगे तो 3 h की वैल्यू 1 है, और y नॉट आप देखिए स्टूडेंट 1 + 5 y1 1/2 + y2 आपको दिया है 1/5 + 6 y3 आपको दिया है 6/10 + y4 आपको दिया है स्टूडेंट 1/17 + y5 आपको दिया है 5/26 हो जाएगा + y6 आपको दिया है 1/37। तो स्टूडेंट इनको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है,
और आफ्टर कैलकुलेशन जो आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है 1.3735। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में हमने ये देखा कि हमें किस तरीके से प्रॉब्लम को ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन वन थर्ड सिम्पसन थर्ड बाय एट और बेडल्स रूल से सॉल्व करना है। और यहाँ हमने बेडल्स रूल भी सीख लिया कि बेडल्स रूल क्या होता है और उसको याद करने की ट्रिक क्या है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा और यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस की है। प्रॉब्लम जरूर हमने जो है दो प्रॉब्लम ली है लेकिन चारों रूल से एक प्रॉब्लम को बनाया है, एक प्रॉब्लम को हमने ट्रेपेजॉइडल से बनाया है। तो आई थिंक हमने जो है बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्कस कर ली है। तो स्टूडेंट अब बारी है आपको कुछ प्रॉब्लम्स देने की, कि मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप उनके आंसर्स जो है कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं, आप ईमेल्स करके हमें पूछ सकते हैं और अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम कुछ यहाँ अनसॉल्व प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। स्टूडेंट यहाँ आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम है जो कि आपको सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट ये 5 अनसॉल्व प्रॉब्लम है, आप इनको सॉल्व करेंगे और इनके जो भी आंसर्स हैं वो आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जो है सबसे पहला है कैलकुलेट अप टू 3 डेसिमल्स, लिमिट दी है 2 से 10 dx 1/1 + x² बाय डिवाइडिंग द रेंज इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ इन्होंने ये कंफर्म नहीं किया है कि आपको कौन सा मेथड से बनाना है। तो स्टूडेंट ये तो हमें समझ में आ रहा है कि 8 इक्वल पार्ट्स हैं, तो आप पहले तो स्वतंत्र हैं, आप ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए बनाइए क्योंकि कितने भी इंटरवल हैं आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ 8 इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब n इज इक्वल टू यहाँ 8 लिया हुआ है। जब 8 लिया हुआ है तो आप ये समझ लें कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो सिम्पसन वन थर्ड, तो यहाँ सिम्पसन वन थर्ड रूल आप लगाओगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है इवेलुएट द इंटीग्रल dx बाय यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड, इन्होंने सिम्पसन वन थर्ड ही पूछा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ log x बाय टेकिंग 8 सब इंटरवल्स करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। यहाँ 8 सब इंटरवल्स का मतलब है n इज इक्वल टू आपको क्या लेना है, 8 लेके चलना है ना, तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 टू 0.6 e की पावर x dx n इज इक्वल टू 6 करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय सिम्पसन वन थर्ड, तो ये सिम्पसन वन थर्ड से ही करना है। फिफ्थ प्रॉब्लम भी देखो लिखी है कैलकुलेट 0 से π/2 e की पावर sin x dx करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे, ये इसमें तो आपको इंटरवल दिए नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप n इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 6 लेके चलेंगे जब इंटरवल हमें नहीं दिए हैं। तो स्टूडेंट हमने आपसे कहा था कि n इज इक्वल टू 6 में हमें फ़ायदा क्या है कि ट्रेपेजॉइडल आप किसी भी इंटरवल के लिए कर सकते हैं, तो ट्रेपेजॉइडल भी लगा सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि इवन नंबर में आप सिम्पसन वन थर्ड लगाते हो तो इसमें सिम्पसन वन थर्ड भी लगा सकते हो। हमने कहा था कि अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन दिया हो, मतलब 3 का मल्टीपल हो हमारा इंटरवल, तो वहाँ सिम्पसन थर्ड बाय एट लगता है, तो 6 3 का मल्टीपल भी है। इसके बाद बेडल्स रूल वहाँ लगता है जहाँ 6 का मल्टीप्लाई हो रहा हो, 6 का मल्टीप्लिकेशन हो, 6 का मल्टीप्लाई हो, तो 6 का भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आप कोई सा भी रूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप सिम्पसन थर्ड बाय एट लगा दो, है ना, बहुत आसानी से आप जो है 3-4 स्टेप में अपना आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे, आपको मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व कराई हैं वो पसंद आई होंगी, आपको जो ट्रिक्स हमने बताई हैं फॉर्मूला याद रखने की आपको वो भी पसंद आई होंगी, और जो अनसॉल्व प्रॉब्लम दी हैं ये भी आप जो है इनको सॉल्व करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल का मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस आपको वास्तव में पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एप्रिसिएशन मिलता है इन सारी चीज़ों से, और देखते रहिए NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।